सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वाटर कूलर एवं आरओ काफी समय से है बंद। अनूपपुर शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वाटर कूलर एवं आरओ काफी समय से बंद है। मई माह की गर्मी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। न्यूज 21 की टीम जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने बताया यहां पानी की व्यवस्था नहीं है, बाहर से पानी लाना पड़ता है और वाटर कूलर एवं आरओ काफी समय से बंद है। बढ़ती गर्मी को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं और लोग जगह जगह पियाऊ ठंडा पानी के लिए व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन एक अनुपशहर अस्पताल में हमारी टीम पहुंची है जायज़ा लेने के लिए, लेकिन हम यहां देख पा रहे हैं कि वाटर कूलर लगे हैं, ये आरओ लगा हुआ है, लेकिन यहां कोई किसी भी तरीके का आरओ चालू नहीं है, ये देखिएगा। और ये वाटर कूलर है, अपने वाटर कूलर है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का पानी की व्यवस्था नहीं है। ये 100 पीस बने हुए हैं, ये देखो, ये काफ़ी समय का दिखाई दे रहा है और कितना गंदा भी है, लेकिन यहाँ कोई किसी भी तरीके की पानी की व्यवस्था नहीं है। और अस्पताल परिसर में हमने लोगों से बातचीत कर जाना कि पानी की क्या कैसी यहाँ व्यवस्थाएं हैं। लोगों ने साफ कह दिया कि पानी पीने के लिए अस्पताल से बाहर ही जाना पड़ता है। वाटर कूलर तो लगे हैं, आरओ भी लगा है, लेकिन यहाँ कोई भी ना तो आरओ चालू है ना ही वाटर कूलर चालू है। प्रदीप जी, ये जो पानी की अस्पताल में कैसी व्यवस्था? पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, ये वाटर कूलर बंद है और पानी पीने बाहर जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है पानी गर्मी। गर्मी को लेकर क्या कहना है आपका? पानी की व्यवस्था जल्दी ठीक होनी चाहिए, यानी आपकी मांग है कि पानी की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए अस्पताल जी। तो और भी मरीज परेशान होते बहुत तक। गर्मी के चलते आज हमारी टीम न्यूज 21 की टीम अनूपशहर CSC यानी स्वास्थ्य केंद्र अनूपशहर में पहुँची है। वहाँ जाना कि पानी की व्यवस्थाएं कैसी हैं, कितने वाटर कूलर लगे हैं और लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही हैं। तो वहां वाटर कूलर तो अनूपशहर अस्पताल में लगे हैं, लेकिन 100 पीस बने हुए हैं, ना कि वो कहीं चालू है। आरओ की अगर हम बात करते हैं तो आरओ भी यहां लगा हुआ है, लेकिन आरओ भी पूर्ण तरीके से चालू नहीं है। अपने सहयोगी शकील शैफी के साथ इरशाद गाजी, बुलंदशहर।